Assalamualaikum दोस्तों, this is me Zubair and you are watching my YouTube channel Sayyed Zubair Ahmed. दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि NFT होता क्या है, ये वजूद में कैसे आता है, कैसे लोग इसको डिजिटली कन्वर्ट करके रातों रात करोड़पति बन गए. कोशिश करूंगा कि आसान सिंपल अल्फाजों में आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकूं. Let's get started. जैक डॉर्सी जो कि ट्विटर के को फाउंडर हैं, उन्होंने अपने पहले ट्वीट का NFT बना के 2.9 मिलियन डॉलर में बेचा. अमिताभ बच्चन का एक NFT 7 करोड़ में बिका. इसके साथ साथ बीबल नाम के एक फेमस आर्टिस्ट हैं, उन्होंने अपने फेमस आर्टवर्क का NFT बना के 69 मिलियन डॉलर कमाए. ऐसी काफ़ी न्यूज़ हम रोज़ सुनते हैं जिसमें NFT वर्ड यूज़ होता है और हम सोचते हैं कि ये बिल्लियों के जो जिफ बिक रहे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर में, ये NFT है क्या? सबसे पहले समझते हैं कि NFT का मतलब क्या होता है. NFT एक एब्रिविएटेड वर्ड है जिसका मतलब है नॉन फंजिबल टोकन. अब समझते हैं नॉन फंजिबल क्या होता है. नॉन फंजिबल यानी नॉन रिप्लेसेबल, नॉन एक्सचेंजेबल भी कह सकते हैं. मतलब एक ऐसी चीज़ जिसे सिमिलर चीज़ के साथ एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके अंदर कोई एक ऐसी ख़ास चीज़ छुपी हुई है, कोई एक ऐसी आर्ट है जिसे आप सिमिलर चीज़ के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते. लाइक मान लेते हैं कि मेरे पास 5,000 की नोट है और मेरा दोस्त मेरे पास आता है और कहता है कि यार मेरे पास 1,000 की 5 नोट हैं, तो मुझे अपनी 5,000 की एक नोट दे दो और मुझसे 5,000 के 1,000 के 5 नोट ले लो, तो मैं उससे एक्सचेंज कर लूँगा क्योंकि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों की ऑलमोस्ट वैल्यू सेम है. उसे कहते हैं फंजिबल. इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एक बैट की, लाइक मेरे पास एक एक्सपेंसिव बैट है और मेरा दोस्त मुझसे कहता है यार मुझे अपना न्यू बैट दे दो और मेरा पुराना बैट मुझसे ले लो, तो शायद मैं वो भी कर लूँगा क्योंकि मुझे उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं, ऑलमोस्ट वैल्यू सेम होती है. अगर वैल्यू सेम ना भी हो तो भी मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर मेरे बैट के ऊपर हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साइन हुए हुए हों, फेमस क्रिकेटर इमरान खान के अगर उसमें साइन हुए हुए हों, तो वो बल्ला मैं कभी एक्सचेंज नहीं करूँगा. क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए नॉन फंजेबल हो गया, क्योंकि वो मेरे लिए एक कीमती चीज़ हो गया. उसका नेमो बदल नहीं है, वो अपने आप में ही एक ख़ास चीज़ बन गया, एक यूनिक चीज़ हो गया. उसे कहते हैं नॉन फंजेबल क्योंकि मैं उसको एक्सचेंज या रिप्लेस नहीं कर सकता. तो इससे हमें ये समझ आया कि जब भी बात की जा रही होगी NFT की, तो किसी ऐसी चीज़ की बात की जा रही होगी जो कि नॉन रिप्लेसेबल है, जो कि यूनिक है. अब बात करते हैं टोकन की. मान लेते हैं कि मैं कोई घर परचेज करता हूँ और उसके बाद में उसकी रजिस्ट्री करवाता हूँ, अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन उसमें पुट करता हूँ, मैंशन करता हूँ, वो एक एग्रीमेंट बनाता हूँ और वो एग्रीमेंट इस बात का प्रूफ होता है कि इस घर को मैं ही ओन करता हूँ, मैं ही इसका मालिक हूँ और ये मेरी मलकियत है. तो जो अग्रीमेंट होता है वो फिज़िकल मेरे पास प्रूफ होता है मेरी ऑनरशिप का. उसी तरीके से अगर मैं कोई डिजिटली कोई चीज़ की प्रूफ चाहता हूँ कि उसकी मलकियत हासिल करना चाहता हूँ, लाइक मैं अगर कोई पेंटिंग बनाता हूँ, कोई डिजिटली कोई ट्यून क्रिएट करता हूँ, कोई क्लिप वगैरह बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पर मेरा टैग लग जाए मेरी ओनरशिप का, तो उस चीज़ को जो प्रूफ आपको दिया जाता है वो डिजिटली दिया जाता है. तो डिजिटली प्रूफ जो होता है वो कहलाता है आपका टोकन. वो प्रूफ एक डिजिटल फॉर्म में होगा, जिस तरीके से घर के पेपर को हम छू सकते थे, महसूस कर सकते थे, लेकिन डिजिटल टोकन को डिजिटली दिया जाता है उसको हम छू नहीं सकते, लेकिन वो जो प्रूफ होता है उसको हम टोकन कह देते हैं. अब जो ये टोकन है, ये रजिस्ट्री है, इसको पूरा का पूरा सिस्टम ट्रैक कर रहा होता है. इसको हमारे लॉयर ट्रैक कर रहे होते हैं, हमारी गवर्नमेंट ट्रैक कर रही होती है, बड़े बड़े प्रॉपर्टी के केसेस हो जाते हैं, हमारे जज इस डॉक्यूमेंट्स को मानते हैं, लेकिन इस डिजिटल टोकन को कौन ट्रैक कर रहा होता है? इसको ट्रैक कर रही होती है हमारी पब्लिक. अब पब्लिक इसको ट्रैक किस तरह करती है? ब्लॉकचेन की फॉर्म में. अब ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बिटकॉइन जैसी, जो कि डॉजकॉइन जैसी करेंसीज पर बेस्ड है. ब्लॉकचेन के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस नेट के ऊपर अवेलेबल होंगी, आप उसको समझ सकते हैं. मैं कुछ लिंक मेंशन कर दूंगा, जाके आप ब्लॉकचेन के बारे में मालूम कर सकते हैं. लेकिन आसान अल्फाजों में अगर समझा जाए तो ब्लॉकचेन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि सारा का सारा रिकॉर्ड पब्लिक के पास होता है. मान लेते हैं कि मुझे कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने हैं अपने दोस्त के अकाउंट में, 1,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं, तो मेरा बैंक पहले ये देखेगा कि मेरे अकाउंट में 1,000 रुपये पड़े हैं या नहीं पड़े हुए. अगर पड़े होंगे तो मेरा बैंक 1,000 रुपये लेके मेरे दोस्त के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा. फिर उसका बैंक ये देखेगा कि उसके अकाउंट के अंदर 1,000 रुपये आ चुके हैं, अगर आ चुके हैं तो उसका बैंक उसको 1,000 रुपये दे देगा.
तो इस तमाम प्रोसेस में ट्रांजैक्शन को कौन डील कर रहा होता है? बैंक डील कर रहा होता है, बैंक के पास सारा रिकॉर्ड होता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इस तमाम प्रोसेस से मैं बैंक को हटा दूँ, ये तमाम प्रोसेस, ये ट्रैकिंग सिस्टम, ये मैं और मेरा दोस्त मैनेज कर लेंगे, मुझे बैंक की ज़रूरत नहीं है, तो इस प्रोसेस को, इस टेक्नोलॉजी को हटाने के लिए ब्लॉकचेन आया। ब्लॉकचेन से क्या हो गया है कि जब भी हमें कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है तो उसका सारा का सारा रिकॉर्ड पब्लिक के पास होता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो मान लीजिए कि एक ब्लॉकचेन के ऊपर 10 लाख अवाम है और मैंने अपने दोस्त को 1000 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं, तो ये रिकॉर्ड अवाम के पास होगा, उस 10 लाख बंदों के पास होगा कि हाँ ये ट्रांजैक्शन रियल है, हुई है और ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन है। तो इस तमाम चीज़ों के अंदर बैंक का जो एलिमेंट है वो यहाँ से निकल जाता है। अब ऐसी टेक्नोलॉजी में हम करेंसी एक्सचेंज की जगह अपने अपने टोकन ले आए, यानी मान लीजिए कि मैंने कोई आर्टवर्क बनाया और आर्टवर्क बनाने के बाद मैंने उसका एक NFT ले लिया, तो वो मेरे पास एक प्रूफ हो गया कि इस चीज़ का मालिक मैं हूँ, मैं ही इसको ओन करता हूँ और इसको अब कोई कॉपी नहीं कर सकता। और अगर मैं अब अपनी NFT को किसी को बेचना चाहूँ तो उससे मैं कुछ करेंसी ले लूँगा और अपनी NFT उसको बेच दूँगा, और वो जो मेरी ट्रांजैक्शन का सारा रिकॉर्ड होगा वो सारा पब्लिक को दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से नॉन फंजेबल टोकन यानी कि NFT काम करते हैं। आजकल ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो कि लाइसेंस ले रही हैं म्यूज़िक कंपनी से, जो कि एक्टर्स से लाइसेंस ले रही हैं कि उनके NFTs बना सकें। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि अपनी NFTs बना सकते हैं। तो अगर आज आप रह रहे हैं एक ऐसे स्पेस में जहां आप एक आर्टवर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो एक NFT परचेज करें, कम से कम अपने इस टैलेंट को एक्सप्लोर ज़रूर करें कि आपको ये कितना फ़ायदा दे सकती है। इसी वीडियो के साथ सैयद ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने काफ़ी कोशिश करी है कि जितनी मेरी नॉलेज थी वो आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।